अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम आमिर है और आज के स्टूडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूं कि आप कैसे हैप्पी न्यू ईयर 2022 के लिए अपने फ़ोटो की फ्रेम कैसे बना सकते हैं जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। तो दोस्तों अगर आप भी अपने फ़ोटो की फ्रेम बनाना चाहते हैं या फिर अपने फ़ोटो की DP बनाना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के साथ बने रहें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आपने इस वीडियो को लाइक करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। और अगर आपने मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से लाल बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल के ऊपर क्लिक करके ऑन कर लें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं तो आपको फौरन नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। जी दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूं कि आपने हैप्पी न्यू ईयर 2022 के लिए अपने फ़ोटो की फ्रेम या फिर अपने व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम के लिए DP कैसे बनानी है। तो उसके लिए आपको इसे एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी, तो आपको इस एप्लीकेशन का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इस एप्लीकेशन को ओपन करता हूँ। तो ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको इस तरीके का इंटरफेस मिलेगा और यहाँ पर आपको तीन ऑप्शन मिलते हैं। सबसे पहला ऑप्शन मिलता है फ्रेम्स का, तो यहाँ पे आपने सबसे पहले फ्रेम के ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे गैली का ऑप्शन आएगा, तो आपने गैली के ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ से आपने अपनी फ़ोटो सेलेक्ट कर लेनी है जिसके ऊपर आप फ्रेम को लगाना चाहते हैं, DP बनाना चाहते हैं। आपने उस फ़ोटो को यहाँ पे सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से आपने टिक करना है और उसके बाद यहाँ से क्रॉप करना है और उसके बाद फिर से डन करना है। और उसके बाद यहाँ पर आपको ढेर सारे फ्रेम्स मिल जाते हैं, जो भी आपको फ्रेम अच्छा लगता है आपने उसके ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद आपने अपनी फ़ोटो को इस फ्रेम के अंदर अच्छी तरह से सेटिंग कर लेना है, जैसे यहाँ पे मैं कर रहा हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे अगर आप इसका रुख चेंज करना चाहते हैं अपने फ़ोटो का, तो वो यहाँ पे क्लिक करके आप रुख चेंज कर सकते हैं। इसी तरह से आप अगर फ़िल्टर लगाना चाहते हैं अपने फ़ोटो के ऊपर, यहाँ पे फ़िल्टर पर क्लिक करके आप कोई भी इफ़ेक्ट लगा सकते हैं, फ़िल्टर यहाँ से लगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर जब आप अपनी फ़ोटो बना लें, अच्छी तरह से फ्रेम के अंदर लगा लें, उसके बाद सेव का ऑप्शन मिलता है, आपने सेव के ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद आपके फ़ोटो जो होगी वो आपके मोबाइल फ़ोन में सेव हो जाएगी। तो इसी तरह से यहाँ पे दोस्तों आपको दूसरे नंबर पे ऑप्शन मिलता है प्रोफाइल्स का। दोस्तों यहाँ पे भी क्लिक करके आप गैली पे क्लिक करके अपने फ़ोटो को सेलेक्ट करके इसी तरह से क्रॉप करके आप अपने एक प्रोफाइल फ़ोटो बना सकते हैं अच्छी सी। यहाँ पर इसी तरह से आप इसके ऊपर फ़िल्टर्स को भी लगा सकते हैं, इसका रुख चेंज भी कर सकते हैं। और इसी तरह से यहाँ पर आपको सेव का बटन मिलता है जिसके ऊपर आपने क्लिक करना है और आपकी जो फ़ोटो होगी वो आपके गैली में सेव हो जाएगी। तो दोस्तों आप इस तरीके से इस एप्लीकेशन को यूज़ करके मुख्तलिफ यहाँ पे आप फ़ोटोज़ बना सकते हैं, अपने प्रोफाइल DP यहाँ पे बना सकते हैं। और इसी तरह से यहाँ पे आपको कुछ और भी ऑप्शन मिल जाते हैं जिनको यूज़ करके आप यहाँ से कुछ भी डाउनलोड कर सकते हैं, कुछ भी शेयर कर सकते हैं।